देखा कितनी खिचखिच हो रही थी, अब देखो कैसे शांति होगी। क्यों है? अरे मुनीम, इसका अंगूठा तो लगवा ही नहीं। ला पेपर दे। लाओ लाओ। क्यों बे, तुम्हारी बीबी है क्या? चलो लेके जाओ, लेके जाओ जल्दी। क्या है, मैं ज्यादा खून देख नहीं सकता। हाँ। तुम्हें देखना पड़ेगा नागेश, तुम्हें देखना पड़ेगा। तुमने एक निर्दोष औरत को मार डाला, तुम दोनों का अंत बहुत नजदीक आ चुका है और तुम देखोगे। तो जब हमारी सेठ जी तुम्हारे सामने तुम्हारे काल भर कर खड़ी होंगी और तुम दोनों के पापों को न्याय की तराजू में तोलेंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम देखोगे। तुम देखोगे नागेश, हमारी सेठ जी महादुर्गा का रूप लेके तुम दोनों का विनाश करेंगी। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। गलत नक्शा नहीं, गलत सवाल लेकर आई हो देवी तुम। नहीं तुम्हें खजाना मिलेगा, नहीं देवसु के सेठ जी की गद्दी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अचंभित होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हें सेठ जी से बचने का रास्ता चाहिए और उस रास्ते को ढूंढते ढूंढते तुम इस रास्ते पर आ गई हो देवी। लेकिन तुम्हें तो आना ही था देवी, मुझ तक रास्ता ढूंढने का साहस और दुस्साहस सिर्फ तुम में ही तो था, सारे देव सुन। पापा जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पुण्य करने वाला सुर और पाप करने वाला असुर, सुर और असुर ये दोनों तो है उसी की संतान ना। सुर को अगर राज करने का अधिकार दिया तो असुर को राज छीनने का। उस परम शक्ति के अनुसार ये दोनों एक ही बीज के दो फल हैं। अधिकार तो दिया लेकिन आशीर्वाद तो नहीं दिया ना, इसीलिए तो मेरी सारी की सारी कोशिशें बेकार हो गई। पापा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं,